तो धमतरी के मगरलोड ब्लॉक के ग्राम पंचायत बोडरा के ग्रामीण नवीन उप तहसील करेली बड़ी में शामिल करने के विरोध में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार बोडरा इसके पहले मगरलोड तहसील में शामिल था, जिसे अलग कर उप तहसील करेली बड़ी में जोड़ा जा रहा है। ग्रामीण बताते हैं कि उनके गाँव से मगरलोड की दूरी 6 किलोमीटर है, जबकि करेली बड़ी 12 किलोमीटर दूर है। इस स्थिति में लोगों को अधिक दूरी तय करने में परेशानी होगी। किसानों को नामांतरण बंटवारा आय जाति के लिए समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ग्रामीणों की समस्याओं को देखते हुए संयुक्त कलेक्टर ने जल्द ही समस्या का समाधान करने की बात कही है। ग्राम बोड़ा मगरलोड, क्या समस्या? ग्रामीण संरक्षक हूं अभी वर्तमान में। ये अपन मगरलोड तहसील है ना, उसको करली बड़ी जोड़ा है ना, उसमें तकलीफ हो रहा है जाने जाने में। अपना सारी सुविधाएं मगरलोड मिलता है, बैंकिंग काम हो, तहसील हो, या तो स्वास्थ्य केंद्र हो, शिक्षक हो, है ना, सारी सुविधा अपन ला मगरलोड में मिलते हैं। और अपन ला करली जाए में बहुत तकलीफ हो जाए। पहले 12-15% हो गया, हमारा 5% हो गया मगरलोड। अभी कीर्तन से बात हुई से कि एक बारे में पहल करेंगे, इस पर बात कल पुलिस कीर्तन होता है और सुनवाई करेंगे पुलिस है। जैसे जो वर्तमान में उप तहसील बन रही है करेली बड़ी में, हमारे अधिकारी बैठ रहे हैं, तो उनके द्वारा कहा गया था कि उनको मगरलोड ही समीप पड़ता है, तो उस आवेदन को भूभिलेख शाखा को दिया गया है। वर्तमान में हमारे ही स्तर से ये बैठाने की कार्रवाई की जा रही है जिला स्तर से, तो उनको अवगत कराया गया है कि ऐसी समस्या है, तो उनको मगरलोड में यथावत करा दिया जाएगा। बलराम वर्मा, ग्राम पंचायत बोड़ा, सरपंच प्रतिनिधि। क्या शिकायत लेकर? हमारी शिकायत ये है कि हमारे ग्राम पंचायत बोड़ा को भूथीडीह पटवारी हल्का नंबर 8 में जोड़ा गया है, करेली उप तहसील जो नया बना है उसमें जोड़ा गया है। हम उसके विरुद्ध कि पुनः वही हमारे जो मगरलोड तहसील है उसमें रहना चाहिए। क्या क्या समस्या आती है? समस्याएं विभिन्न हैं। अगर समस्याएं की बात करें तो शैक्षणिक के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, मार्केटिंग के क्षेत्र में, और दूरी भी बहुत पड़ता है यहाँ करेली बड़ी, इस कारण हम वहीं मगरलोड चाहते हैं। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन अभी यहाँ अभी संयुक्त कलेक्टर जी से बात हुई, बिल्कुल इसके बारे में पहल करेंगे कि बात हुई है। मांग पूरा नहीं हुआ तो मांग अगर पूरा नहीं हुआ तो हम लोग फिर जनता के माध्यम से